टुक टुक टॉक शो देखने वाले सभी प्यारे भाइयों और बहनों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, अजीज दोस्तों को विश्वजीत सोनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे सामने जो शख्सियत है उनसे हम कुछ फिल्मों के बारे में, बॉलीवुड के बारे में सवाल जवाब करेंगे। मैं बता दूं, कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो आर्टिस्ट नहीं होते हैं, फिर भी उनका तुक्का लग जाता है और वो स्टार बन जाते हैं, और कुछ लोग उन स्टारों के यार बन के रहते हैं जिन्हें फुल नॉलेज होता है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारे सामने जो शख्सियत है उनका नाम है विजय त्रिपाठी। विजय त्रिपाठी जी, आपका हमारे टुक टुक टॉक शो में स्वागत है। नमस्ते। आपसे एक सवाल। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपने काफी सारी टीवी सीरियल्स की है, मूवीज की है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे मैं कुछ सवालात करूंगा, अगर आप उनके जवाब दे पाए तो थैंक यू। ये बताइए, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सबसे पहली मूवी, मेरा बोलने का मतलब है दोनों ने पहली मूवी कौन सी थी जिसमें एक साथ काम किया था? नहीं मालूम। वेरी गुड। दिलीप कुमार साहब की मूवी थी जिसमें दिलीप कुमार साहब ने ट्रिपल रोल किया था, उस मूवी का नाम बताइए। हमको ये भी नहीं मालूम। वेरी गुड। दिलीप साहब ने डबल रोल किया था, उस मूवी का नाम बताइए। नहीं मालूम। अच्छा, दिलीप साहब ने और एक मूवी की थी, उसमें भी उनका डबल रोल था, चलिए उनका नाम बताइए। आई डोंट नो। रेखा की पहली मूवी कौन सी थी? नहीं मालूम। अच्छा, वेरी गुड। शत्रुघ्न सिन्हा जी और उनकी वाइफ पूनम जी, उन्होंने एक मूवी में काम किया था, उस मूवी का नाम बताइए। वेरी गुड। शत्रुघ्न सिन्हा जी की वाइफ ने एक मूवी की थी जिसके हीरो थे जितेंद्र, उनका नाम बताइए। नहीं मालूम। क्या बात है, आपने एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया, लेकिन आप फिर भी बॉलीवुड की मूवीज करते हैं, टीवी सीरियल्स कर रहे हैं, बड़े बड़े प्ले कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है विश्वजीत जी, मैं ज्यादा करके बॉलीवुड की मूवीज नहीं देखता हूं, मैं जब भी देखता हूं तो हॉलीवुड की मूवीज देखता हूं, इसलिए मेरा जो नॉलेज है वो बॉलीवुड में कम है। हाँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम करता हूं, मूवीज में काम करता हूं, बॉलीवुड मूवीज करता हूं, लेकिन आई डोंट नो हिंदी मूवीज, ओनली इंग्लिश मूवीज। और मैंने ट्रेनिंग ली है एक्टिंग की, मैंने कॉलेज से ट्रेनिंग ली है, इसलिए। तो खैर, अच्छी बात है, मैं ऐसे कोई बुरा नहीं कहता हूं, लेकिन मेरा एक मैसेज है जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनके लिए भी, कि आप जब भी किसी का ऑडिशन लेते हैं तो ऑडिशन लीजिए, और थोड़ा अगर उनका फिल्मी नॉलेज भी ले लें जैसे मैंने लिया, अगर वो भी लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हर एक्टर को अगर बॉलीवुड में काम करता है तो उसे फिल्मों का नॉलेज होना चाहिए, पुराने फिल्म स्टारों का नॉलेज होना चाहिए, पुराने कौन से डायरेक्टर थे उनका नॉलेज होना चाहिए। तो आपसे मिलकर काफी खुशी हुई, और मैं चाहूंगा कि अब आप फिल्मी नॉलेज जो है वो सीखें,
क्योंकि कॉलेज में एक्टिंग की कॉलेज में नॉलेज नहीं मिलता है, जो फिल्में देखने के लिए नॉलेज मिलता है, फिल्मों मूवीज देखने के बाद जो नॉलेज मिलता है। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।